इस वीडियो का मेन किरदार अदा करने वाली ये गम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में आपको वेलवेट के बारे में बताऊंगी। इस कपड़े को मैंने पहली बार तकरीबन स्टिच करने का मुझे मौका मिला है। मैंने बनाए थे इसके कुशन, तो मुझे तो लगा था कि बहुत इजी होंगे, बहुत ही इजी होंगे, मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। लेकिन जब मैंने इसको स्टिच करना शुरू किया, मतलब इसकी कटिंग की, जब मैंने कटिंग करके इस तरह से मैंने इसको डबल किया, इस तरह करके ये इस तरह करके डबल करके मैंने उठाया, एक साइड उस तरफ जा रही है, एक साइड उस तरफ जा रही है, मुझे समझ नहीं लग रही। फिर जब सिलाई लगा रही हूँ, एक साइड इस तरह से लंबी हो रही है, एक साइड इसकी छोटी हो रही है, एक बाई जा रही है, एक इधर जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे सेट करूँ, क्या करूँ मैं इसका कि ये सारा मेरे सेट भी हो जाए और मैं आसानी से ये कुशन जो है वो स्टिच कर लूँ। तो मैंने ये किया कि ये मैंने जो है कुशन वो मैंने कट कर लिया है। अगर आप ये देखें, ये कुशन जितना मैंने बनाना है उतना मैंने इसको कट करके यहाँ पे रखा है। इसके बाद मैंने ली है जी ये गम। ये इस वीडियो का मेन किरदार अदा करने वाली ये गम, इसको मैंने लिया और इसको फिर इसके चारों तरफ इस गम को लगाया, अच्छे से इसको सेट किया ये इस तरह लगा के। अब मैंने इसको ना बिल्कुल किनारे पे लगाया, इसलिए कि जब मैं सिलाई करूँ तो ये गम वाला जो पार्ट है वो वीडियो से बाहर हो जाए, सॉरी वीडियो से नहीं, सिलाई से बाहर हो जाए, कुशन के अंदर गम वाला पार्ट, गम वाला जो हिस्सा है सिलाई के अंदर ना जाए, कुशन के अंदर बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरह से मैंने इसको गम लगाई, फिर इस पर मैंने निशान लगाए, मतलब जितनी जितनी मैंने सिलाई लगाई थी उतने निशान लगाए, जहाँ पे जितनी लगाई थी वो लगाई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इससे बहुत ही आसान हो गया मेरे से स्टिच करना। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं स्टिच करके मैंने रखे भी हैं, ये देखिए एक कितने मैंने मतलब स्टिच करके मैं रख चुकी हूँ। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने इसमें गम लगाई है और ये बिल्कुल नीटली मैंने स्टिच कर लिए हैं। गम लगा के जब मैंने इसको उठाया इस तरह, तो ये जहाँ जहाँ पे था वहीं पे रहा, बिल्कुल भी हिला नहीं। अगर आप वेलवेट का कपड़ा स्टिच कर रहे हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करें, आपका काम इजी हो जाएगा।